के पहले मैंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी चीज़ों को डिटेल्स मैंने दिया जो बहुत सारे मेरे भाइयों लोग जो व्यूवर्स हैं और जो मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और अनसब्सक्राइबर लोग भी जो है उनको काफ़ी पसंद आया है। वो क्या है, जैसे कि मैंने लास्ट फ्राइडे जो वीडियो मैंने बनाया था और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था गाइस कि मैं फ्राइडे में काम करने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं फ्राइडे अगर मैं काम करता हूँ डे ऑफ के दिन तो मुझे कंपनी कितना पैसा देती है। ओके, तो बहुत भाइयों लोग को बहुत अच्छा लगा वीडियो। और गाइस कुवैत मतलब गल्फ कंट्री में ही यही एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मतलब अगर आप डे ऑफ के दिन, अगर आप हॉलीडे के दिन अगर आप काम करते हो तो कंपनी आपको ज़्यादा पैसा देती है। ओके, तो आपको जब भी चांस मिले तो आपको चांस नहीं छोड़ना है, आपको सीधा पकड़ लेना है। ओके, तो गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो एंड माई नेम इज़ नीलेश और मैं यहाँ पे कुवैत में बहुत दिनों से काम करता हूँ। गाइज मैं यहाँ पे कैरिस कंपनी में कुवैत रिसोर्स हाउस में हूँ। मैं यहाँ पे एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम करता हूँ US आर्मी बेस में। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको एक ही चीज़ में आपको बताऊँगा कि मतलब आप अगर उस दिन अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको कंपनी कितना पैसा देती है। और गाइज ये जो ओवर टाइम्स होता है ये आपके सैलरी के ऊपर डिपेंड्स होता है। आपका जितना ज़्यादा सैलरी रहेगा उतना आपको ज़्यादा ओवर ज़्यादा पैसा मिलेगा। ओके, अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको कम पैसा मिलेगा ओवर टाइम का। तो टोटली दे डिपेंडिंग अबाउट द योर सैलरी। ओके, तो यू वर्क इन द हॉलीडे, ओके, तो हाउ मच कंपनी पे द अमाउंट फॉर 12 आवर्स ड्यूटी। ओके, तो सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा अगर आप हॉलीडे के दिन काम करते हो तो आप सोचते होंगे हॉलीडे के दिन क्या है, हॉलीडे क्या है, और आप सोचते होंगे हॉलीडे तो फ्राइडे होता है। तो ऐसा गाइस नहीं है, जो जो फ्राइडे हॉलीडे होता है वो हमारा डे ऑफ होता है। तो डे ऑफ के दिन जो काम करते हो उसका अलग पे मिलता है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। तो हॉलीडे क्या होता है, हॉलीडे का मतलब ये है कि जैसे कि गल्फ कंट्रियों में मुस्लिम फेस्टिवल्स होता है, आपको तो मालूम होएगा। इससे मुस्लिम लोग का जो फेस्टिवल होता है वो होता है रमजान, ईद, इससे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। ओके, तो इस दिन क्या होता है कुवैत में या गल्फ कंट्री सऊदी दुबई कहीं भी आप रहिए तो उस दिन क्या होता है कि वहाँ पे लोगों को हॉलीडे मिलता है। उस दिन लोग किसी लोगों को ड्यूटी मिलता है, किसी लोगों को ड्यूटी नहीं मिलता है। ओके, तो वही मैं आपको बताऊंगा अगर आपको हॉलीडे के दिन अगर आप जॉब करते हो तो आपको कितना पैसा आपको कंपनी पे करती है। ओके, तो गाइस मैं आपको यही बताऊंगा कि मतलब अगर आप ओके हॉलीडे के दिन अगर आप 12 घंटा ड्यूटी करते हो या 10 घंटा ड्यूटी करते हो, दिस इज़ अ डिपेंड अबाउट द योर कंपनी पॉलिसी। मीन्स आपकी कंपनी आपको कितना आपको हॉलीडे देती है, आपको 10 आवर्स देती है कि 12 घंटा देती है कि आपको 8 घंटा देती है। तो सो गाइस एवरी कंपनी दे हैव द डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी। ओके, तो टुडे आई एम जस्ट टॉक अबाउट द माई कंपनी फॉर कैरिस। फॉर कैरिस मीन्स कुवैत रिसोर्स हाउस। तो मैं इस कंपनी में मैं जो काम कर रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पे हॉलीडे के दिन अगर मैं जॉब करने जाता हूँ, हॉलीडे के दिन जिस दिन मेरा हॉलीडे रहता है, मतलब जिस दिन कंपनी हॉलीडे देती है सबको रूम में बैठने के लिए, सोने के लिए, घूमने के लिए, वट एवर जो भी है, तो अगर आपको उस दिन अगर आपको जॉब मिलता है काम करने के लिए मिलता है, तो मैं अपना बताता हूँ। अगर मैं 12 घंटा ड्यूटी करता हूँ मैं काम में जाके US आर्मी बेस में, ओके, और हॉलीडे के दिन तो मुझे कंपनी जो पे करती है वो होती है 2। ओके, 2 पॉइंट मुझे कंपनी पे करती है। अगर मैं फ्राइडे के दिन काम करता हूँ तो कंपनी मुझे पे करती है 1.5। आपने डिफरेंट देखा, डे ऑफ मीन्स फ्राइडे के दिन अगर आप काम करोगे तो 1.5 आपको मिलेगा, हॉलीडे के दिन अगर आप जॉब मतलब ड्यूटी पे जाओगे तो 2 पॉइंट्स आपको मिलेगा, और आप जो रेगुलर ओवर टाइम जो कंपनी देती है वो देती है 1.25। अभी आपको क्लियर हो गया, मतलब 1.25, 1.5, 2 पॉइंट। मीन्स अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूँगा टॉप 2 पॉइंट्स क्या होता है। 2 पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप हॉलीडे के दिन अगर आप ड्यूटी करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12 घंटा ड्यूटी करते हो तो कंपनी आपको 20 घंटा का आपको पैसा पे करती है। मीन्स अब मेरी सैलरी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं हॉलीडे के दिन अगर मैं काम करने के लिए जाता हूँ तो मुझे इंडिया का जो अमाउंट है वो टोटल मुझे 4,800 रुपये मिलता है। ओके, 4,800 रुपये मिलता है एक दिन हॉलीडे वर्किंग के लिए। तो ये जो पैसा जो कंपनी देती है गाइस, ये कंपनी की जो हर एक कंपनी का अलग अलग ओवर टाइम्स की पॉलिसी होती है, हर एक कंपनी अलग अलग
देती है। तो जो मेरी कंपनी है, जो कुवैत में जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, तो वो कंपनी मुझे इतना पैसा पे करती है। तो गाइस, अगर आपको चांस मिलता है, अगर आप कुवैत में आके काम करते हो, अगर आपको चांस मिलता है हॉलीडे वर्किंग के लिए, तो आप ऐसे मत कहिए कि अरे यार बहुत दिनों के बाद मुझे छुट्टी मिल रहा है और मैं जाके रूम में सोऊंगा, आराम करूंगा। तो ऐसा बिल्कुल मत कहिए। अगर आपको चांस मिलता है तो चांस आपको खोना नहीं है, आपको जाके काम करना है। क्योंकि अगर आज अपनी फैमिली को छोड़ के इंडिया से जब आप गल्फ कंट्री में आ गए हो, तो आप यहाँ पे आपको सोने के लिए नहीं आए हो, ठीक है? तो मतलब आप यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हो। तो आपको जब भी चांस मिले तो आपको चांस को नहीं छोड़ना है, आपको चांस को पकड़ना है। क्योंकि आप यहाँ पे पैसा कमाने आए हो, तो पैसे के लिए आप अपनी पूरी फैमिली को इंडिया में छोड़ के आए हो गाइस, तो आपको यहाँ पे आराम नहीं करना है, आपको हार्डवर्क करना है, ठीक है? तो ये जो इन्फॉर्मेशन था गाइस, मैं सोचा कि जो मेरे भाई लोग हैं, जो मेरी कंपनी में बहुत सारे भाई लोग ने इंडिया के अंदर इंटरव्यू दे दिया है, ऑफर लेटर वीज़ा के लिए लोग वेटिंग कर रहे हैं गाइस, तो मैंने कहा उनके बीच में कुछ शेयर मैं करूं। तो गाइस, एक कुछ इन्फॉर्मेशन था जो आपके बीच में मैंने शेयर किया है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं भी आपका एक छोटा भाई हूँ यार, मुझे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो यार। मैं ऐसी छोटी मोटी जो मेरे पास नॉलेज होती है, उसकी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। ओके, सो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।